भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक डॉक्टर अयूब को पुलिस ने शुक्रवार देर रात बड़हलगंज स्थित उनके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर अयूब के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावना भड़काने की धाराओं में केस दर्ज है। केस दर्ज होने के बाद गोरखपुर पुलिस के पास डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार करने का संदेश आया था। उसके बाद बड़हलगंज पुलिस ने उनके क्लिनिक से उन्हें गिरफ्तार किया। देर रात लखनऊ पुलिस डॉक्टर अयूब को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बड़हलगंज निवासी डॉक्टर अयूब ने लखनऊ के उर्दू अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कराया है, साथ ही उर्दू में पर्चे भी बंटवाए थे। आरोप है कि उसमें कई आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इसके पहले पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में बकरीद मनाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की तहरीर पर डॉक्टर अयूब के खिलाफ केस दर्ज कर गोरखपुर पुलिस को संदेश दिया। इसके बाद सीओ गोला श्यामदेव, बड़हलगंज इंस्पेक्टर राणा देवेंद्र प्रताप सिंह तत्काल अस्पताल पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने बताया। कल दिनांक 21 को चौकी इंचार्ज तरुण शफा कृष्णकांत सिंह है थाना जज के, उनको सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी हुई कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान के द्वारा एक विज्ञापन दैनिक इनकलाब में दिया हुआ है लखनऊ एडिशन में, और उसमें कुछ ऐसी भावनाएं बातें लिखी हैं जो संविधान की मूल भावना और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अगेंस्ट है, और ये लखनऊ में और पूरे यूपी में कई जगह वायरल हो रहा है और विभिन्न ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा है। इसको देखते हुए इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद कराया और जो बातें थी उसके आधार पर हजरतगंज में एक मुकदमा 203/2020 धारा 153A, 295A, 298, 505(2) ITC और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इसमें तब तक और जानकारी हुई कि पूरे लखनऊ में ये सर्कुलेट हो रहा है लगातार, और इनके जो विवेचक नियुक्त हुए चक्रधर पांडे, उन्होंने जब बाकी थानों से पता किया तो उन थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की भावनाएँ फैली हुई थी। इसको लेके कल पुलिस ने रूट मार्च भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, और जहां भी ऐसे इलाकों में तनाव परिलक्षित हो रहा था उसको शांत करने की और सबसाइड करने की कोशिश की है। बाद में थाना हजरतगंज से एक स्पेशल टीम भेजी गई जो गोरखपुर में बड़हलगंज में इनका आवास है, वहां जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से रात में इनकी गिरफ्तारी की है, और गिरफ्तारी के बाद जब इनको लाया गया, इनसे पूछताछ की गई विवेचना के बारे में, और जो फैक्ट निकल के आए उसके आधार पर धारा 124A, 153B(2) और 7CLA एक्ट की इसमें वृद्धि की गई है। फिलहाल इनको कोविड को देखते हुए इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और एंटीजन टेस्ट इनका निगेटिव आया है, साथ ही इनका रिमांड बनवा लिया गया है और इनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड भेजा गया है। अभी जो इसमें तत्काल मतलब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके हिसाब से तो गंभीर मैटर हैं जो वायरल हो रहे हैं चीज़ें, और अगर ये इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं तो निश्चित रूप से इसमें भविष्य में ये संभावना है जो विवेचना का हिस्सा होगा, और इनका आपराधिक इतिहास भी है पहले। करीब अब तक 10 मुकदमों की जानकारी हो चुकी है इसको मिलाकर, इससे पहले के 9 मुकदमे हैं जिसमें एक रेप का और 2 153A के ऑलरेडी गंभीर धाराओं के हैं, कुछ चुनाव से रिलेटेड प्रतिनिधित्व अधिनियम के हैं, तो इसको भी हम देख रहे हैं कि और भी इनके जो भी होंगे उसको भी तलाश कराया जाए, साथ ही एक सोशल मीडिया में एक अच्छा माहौल जो है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।